की जिल्हा बिल तुम्ही आज गाडी तुमची आहे आणि मालही तुमचा आहे आणि नवीनच आज आमच्याकडे आलेला आहे तर आज तुमचा माल आहे म्हणून एक गाडीवाला एक आपल्या हिताचा निर्णय पुढे होतो हे तपासण्यासाठी आला का ह्याच्या अगोदर तुम्हाला कोणी काही चांगली माहिती मिळाली ह्याच्या अगोदर आमचे गले होते ना गावामध्ये गाडी चालत होती डाळिंबाचा व्यवसाय करत होता का भाजीपाला कांदा घेऊन नाही काहीच नाही गाडी आपली जोडीदाराची गाडी घेऊन आलो अच्छा जोडीदाराची गाडी आणली आणि इथं आल्याच्या नंतर तुम्हाला मधल्या 10 कॅरेट पाठवली तुम्हाला एक चांगलं रिपोर्ट मिळाला चांगली वाटली चांगलं वाटलं परत आलो त्या दिवशी चांगलं वाटलं आज कसं वाटलं आज पण चांगलं आज पण चांगलं सोलापूरला पण नेलं त्याच्यापेक्षा बरंच प्रमाण चांगलं बर म्हणजे इथं एखादं चुकीचं काय दिसलं आणि बाहेर चांगलं काय दिसलं होतं जे आपल्या दिसलं असं काय पॉइंट नाही तिथं म्हणजे पट्टी करता वेळेस ते परत वरून पैसे कापतात आपल्या नाही मी चुकीचं नाही विचारलं चांगलं काय दिसलं होतं तिथं असं विचारलं नाही चांगलं याच्यापेक्षा तिथं काही चांगलं नव्हतं ते वजनाचं आणि ते परत काय करते ते वरती वर पैसे काढतात आपले ठीक आहे सेवा चांगली जर मिळाली असेल तर हक्काने शेतकऱ्यांनी 2% दिलं तर काय अडचण वाटत नाही पण ते शेतकऱ्याकडे कमिशन होत परत आपल्याकडूनच घेतात ना पट्टी झाल्यानंतर आपल्याकडून कट करून घेतात चुकीचं आहे पट्टी झाल्यानंतर आपली रक्कम झाली 17,000 तर 17,000 समजा 500-600 रुपये ते कट करून घेतात ते कमिशन आता ज्या ज्या त्या मार्केटचा रूल असतो तिथल्या प्रथा असतात पण त्या पट्टी देत नाहीत ना आपल्याला की पट्टीवर आपण कसं लिहून देतो की याचे कट केले त्याचे कट केले तसं नाही करत जसं आता आम्ही तुम्हाला सांगतो जागेवर निवडून आणा तुमची कॅरेक्ट ठेवा तुम्हाला अजिबात खर्च लागणार नाही कमी खर्च होईल ह्या सगळ्या पद्धती आपण ह्यासाठी करतोय पारदर्शक काम करायची मला या सभागृहामध्ये मी पहिल्यांदा सांगितलं की आमचं चुकीचं सांगा बाहेरचं चांगलं सांगा म्हणजे आम्ही हे सांगितलं नाही की आमचं चांगली वावा करा आमची चूक हे तुमच्या सगळ्यांच्या नंतर बरं आता मी तुमच्याशी कुणाशी संवाद साधला नव्हता डायरेक्ट तुमच्याशी बोलतोय तुमच्या मनात काहीतरी खदखद असेल ना ती खदखद बाहेर आल्याच्या नंतर इतरांना कळू द्या ना की काहीतरी तुम्ही 6 महिने रक्त वाकलेलं आहे आणि त्या रक्त वाकल्याच्या नंतर एवढा 45 डिग्री सेल्सिअस 44 डिग्री सेल्सिअस मधून तो माल इथपर्यंत आणलेला आहे साधी सोपी गोष्ट नाही जो शेतकरी त्यालाच कळतो की आता जरी आम्ही आधी तो बसत असतो तर मुळात आपली शेती आहे आणि शेतीत गेल्यानंतर काय व्यथा आहे हे आपल्याला कळतंय आणि म्हणून फार आता विजापूरून फार हिंगोलींना संभाजीनगर कुठून कुठून माल येतात फार धुळे मालेगाव जळगाव इथपासून माल येतात की जिथं 45-46 डिग्री सेल्सिअसचं तापमान आहे आणि तिथून शेतकरी इथपर्यंत येतोय तर मला ह्या पद्धतीने आता तुम्ही जे सांगितलं तर ह्याच्यात आपल्या तिथं काही उणीव दिसली नाही एखादी सुधारणा करावी असं तुम्हाला काय असं वाटतं की ह्याच्यात सुधारणा करावी काहीच नाही वाटत ठीक आहे म्हणजे तुम्ही गाडी आहे माले आहे आणि एक समाधानी आहे आणि जे लोक आता इथपर्यंत आलेले आहेत त्यांनी जागेवर दिला असेल किंवा इतर मार्केटला असेल त्यांच्यासाठी काय सांगाल नाही त्यांनी दावर घेऊन यावं माल घेऊन यावं बरं तुम्ही विजापूरून आलेला विजापूर किती किलोमीटर नाव काय सांगा तुमचं विद्याधर पाटील विद्याधर पाटील विद्याधर पाटील मराठी हिंदी 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 आप या पहिली बार आहे तो हमारे यहाँ गाड़ी वाले तो वहां से चलते है जो जब तहसील से तो वहां से जब आप यहाँ तक पहुंचे जैसे एनडी तालुका है विजापुर तालुका है तो वहां से आए समझो कम से कम 350-400 किलोमीटर के लगभग 400 किलोमीटर के लगभग से आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ यहाँ आपको क्या बुराई सामने आई अच्छाई तो हम नहीं बोलेंगे आप बाहर जाते तो वहां क्या अच्छाई थी ये आपके जवान से हमको बोल देंगे तो हमको समझेगा नहीं सब क्या होता है एक दिन मार्केट अच्छा रहता है एक दिन पड़ता है एक दिन ऐसा कैसा कैसा रहता है हमारे तकदीर में कितना आने का रहता है उतना ही आने वाला तो नहीं अभी समझो आप यहाँ आज पहली बार आए हाँ पहली बार तो मंडी गिरती है तो समझो आज हमको 150 का एवरेज पड़ा है तो गिरती है बोले तो आज 125 का एवरेज पड़ा या कल 170 का पड़ा ये गिरती है ऐसा लेकिन 2-3 रुपए नीचे ऊपर होती है उसको गिरती नहीं बोलेंगे वो ऊपर नीचे तो होता है जैसा क्वालिटी के हिसाब से ये होता है तो इससे पहले आप मंडी गए थे या डायरेक्ट ही बगीचा आज ही स्टार्ट हुआ है आपका अभी स्टार्ट हुआ है अच्छा तो आपको समझ में आएगा एक हफ्ता भर चलने के बाद कि मंडी गिरी है क्या क्या है क्योंकि मैं हर दिन दुकान का एवरेज निकालता हूँ तो आज कल मैंने परसों देखा कि 1475 रुपए एवरेज पूरे मेरे दुकान का है
कल मेरे दुकान का एवरेज 1440 रुपए आया, यानी कि 1 रुपए का एवरेज नीचे ऊपर हुआ, 1440 2 रुपए किलो का एवरेज नीचे ऊपर हुआ। तो अगर 20-25-25 रुपए से नीचे गिरती है मंडी तो उसको गिरी कहेगी, लेकिन अगर 2 रुपए में ऊपर नीचे हो जाए तो उसको गिरता नहीं है। तो पहले बार आप जहां आए तो कौन से भरोसे से आए, गाड़ी वाले ने बोला या आपने यूट्यूब चैनल सुना? यूट्यूब चैनल सुनो को भी अभी 3-4 दिन हुआ तुम्हारा मार्केट डेली देखने को, देखो अच्छा ही माल देखेंगे घर को। अच्छा फोन भी किया हमारे सेट को, फोन भी किया आपको बोला था पहले आप तीसरी चाली लेके आओ, वो बोले कैसा होगा कैसा नहीं, आपको मन में बहुत शंका थी आपकी, लेकिन मैंने बोला कि आप पहले देखने के लिए आ जाओ उसके बाद फिर माल लेके आओ, आप बोले नहीं मैं लेके ही आता हूँ। लेके आते घर को ले। देखो पाटिल साहब अभी आप इतने दूर से आए, मन में आपके बहुत डर थे यहाँ आने के बाद कोई माल चुरा के नहीं 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 समझो चुराएगा क्या, वजन सही हो जाएगा क्या, या रेट सही मिलेगा क्या, ये सब समस्या आपकी मन में पहली बार आती है, लोगों के मन में रहती है। वैसा आपके मन में अगर नहीं है, क्योंकि गाड़ी वाला समझो हमेशा चलने वाले ने अगर आते आते बोला होगा, आपकी मन की जो क्यूरी है उन्होंने निकाला होगा, लेकिन इसमें कोई डरने वाले डर पैदा होने वाली कोई बात आपके सामने आई नहीं? कोई भी बात नहीं। जो दूसरे मंडी में जाते थे वहां क्या अच्छा कभी लगा, तो जो इधर पॉइंट नहीं मिला हमारे इधर ऐसा कुछ देखने को आया कभी इतने दिन में? यही कस्टमर हमारा, इससे पहले आपने अनार ही नहीं निकाला। तो आपके मन में एक डर है कि नीचे ऊपर मंडी होती है, बराबर। जो अभी आप ये सभागृह में बैठे हैं, तो जो लोग बार बार यहाँ आए उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको ऐसा मंडी गिरी ऐसी लगी है। आपने तो यूट्यूब चैनल देखा है, बराबर। अभी हमारे ससाने करके कोपर गांव से आए, वो शिरडी है मालूम आपको, वहां से आए इतने दूर से कि वहां उनके पास राहता की मंडी है, नासिक की मंडी है, मालेगांव की मंडी है, और वो शायद मेरे 4-6 दिन यहाँ लगातार है, बराबर 1 हफ्ता है। तो उनसे हम बात करेंगे, आप उनसे मुंह से सुनेंगे तो आपको समझ में आए। आपल्याला आपने को यहाँ ये जो पाटिल साहब है उनको ऐसा डर है मन में कि मंडी गिरती है, तो आपको कैसा लगा बाजार गिर रहा है आपको यहाँ दिखा? थोड़ा पर ऊपर नीचे, थोड़ा पर ज्यादा नहीं। हाँ थोड़ा बहुत तो नीचे ऊपर होता है, क्योंकि हमने तो ऐसा पक्का नहीं किया कि यही रेट जाएगा। कभी आज समझो हमने मन में 150 किया तो 170 भी जा सकता है, मन में 150 किया तो 130 भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है ऊपर का, लेकिन एवरेज में 2-3 रुपए का फर्क होता है, बराबर। तो और मन में कोई डाउट नहीं? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं तो बातचीत करते हैं, तो आपके मन की जो बात है हमारे सामने आती है। तो आज यहाँ जो भी लोग आए, और कोई नया है? ठीक है, तो लोगों को यही मन में जो बात रहती है वो सामने आना चाहिए और एक दूसरे से बात करना चाहिए। और ये आपकी जो बात है वो बहुत से लोग, यानी कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट से लोग सुनते हैं कि मन में जो बात रहती है कि ये मंडी में गया था उधर मेरे को ऐसा लगा, लेकिन ये मंडी में क्या है क्या नहीं है, तो बहुत सी बात वो यूट्यूब चैनल में उनके मन में जो है वो डर निकल जाती है। ठीक है, आज बहुत आप दूर से आए और पहली बार हमारे को पहले ही दिन विश्वास आपने यहाँ अच्छा हमारे ऊपर रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।